काशी दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। काशी भगवान शिव की नगरी है। ये स्थान भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। काशी के देवी देवताओं में बाबा काल भैरव का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ यहाँ के राजा हैं तो काल भैरव यहाँ के कोतवाल। काशी का स्मरण होते ही धार्मिक नगरी की छवि उभर आती है। अर्धचंद्राकार उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बसी इस पावन स्थली के श्री काशी विश्वनाथ, गंगा माता, संकट मोचन, दुर्गा जी, अन्नपूर्णा माता के साथ काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव की उपस्थिति आस्था और विश्वास के माध्यम से लोक और लोकोत्तर के विलक्षण ताने बाने को बुनते हुए इस पुण्य नगरी को अनन्य भक्ति का धाम बनाती है। काशी मुक्ति धाम भी है और विमुक्त क्षेत्र भी। ज्ञान व मोक्ष की नगरी काशी और शिव एक दूसरे के पर्याय हैं। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है। काशी पुराधिपति भगवान शिव है तो काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव हैं। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव के दो रूपों का वर्णन मिलता है, जिसमें एक स्वरूप जगत के रक्षक व भक्तों को अभय देने वाले विश्वेश्वर के रूप में तो दूसरा स्वरूप काल भैरव के रूप में भगवान शिव दुष्टों का संहार करते हैं। वाराणसी के विश्वेश्वरगंज के पास भैरवनाथ मोहल्ले में स्थित है काल भैरव मंदिर। चौराहे पर बने काल भैरव द्वार से अंदर की ओर प्रवेश कर रास्ते से गुजरते मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। बाबा काल भैरव मंदिर का शहर वासियों में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों में भी खास महत्व है। हिंदू धर्म एवं संस्कृत में काल भैरव की मान्यता बहुत अधिक है। माना जाता है कि बाबा काल भैरव अपने भक्तों को कई तरह की बुराइयों से दूर रखते हैं। हिंदू देवी देवताओं में भैरव जी का एक विशेष महत्व स्थान है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी में प्रवेश करने से पहले इनकी आज्ञा जरूरी होती है और यह भगवान शिव के पांचवें अवतार हैं। भगवान के क्रोध और रौद्र रूप से इनका अवतार हुआ है। यह भगवान शिव के पांचवें अवतार हैं। इनका दर्शन काशी में किसी को भी पहले जब काशी में प्रवेश करे तो इनका दर्शन अवश्य करें। इनका दर्शन करने के बाद ही बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें, इसलिए काशी की रक्षा के लिए इनकी यहाँ पर नियुक्ति है। काल भैरव मंदिर पुराने मंदिरों में से एक है। वर्तमान मंदिर परिसर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि मुगल शासन काल के देवस्थान विध्वंस के बाद काल भैरव की जब पुनः स्थापना हुई तब वह प्राचीन भैरवेश्वर मंदिर के समीप हुई, जहां इस समय काल भैरव का मंदिर वर्तमान में है। इस मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार 17वीं शताब्दी में किया गया। ये मंदिर शिव के उग्र रूप यानी काल भैरव को पूर्णतः समर्पित है। काल का अर्थ है समय और मृत्यु। मान्यता है कि बाबा काल भैरव भगवान शिव के रौद्र स्वरूप हैं। पौराणिक मिथकों में काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध के फल स्वरूप हुई थी। बाबा काल भैरव अपने भक्तों एवं साधकों को मृत्यु के भय से मुक्ति प्रदान करते हैं। विश्वेशम माधवम धुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहां गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम। काशी नगरी की विशेषताओं में
जो यहाँ के प्रधान देवता हैं उनको इस श्लोक में वर्णन किया गया है, जिसमें भैरव नाथ और दंडपाणी प्रमुख हैं। और काल भैरव काशी के कोतवाल माने जाते हैं और इनका प्रधान स्थान प्रारंभ में कपाल भैरव, जो कि आजकल लाठ भैरव कहा जाता है, वहाँ पर था, लेकिन ये विदेशियों के आक्रमण के चलते वह स्थान लगभग समाप्त हो गया। तो यहाँ पर ले आकर के भैरवनाथ मोहल्ला जो प्रसिद्ध है वहाँ पर उनकी स्थापना की गई। मान्यता है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान शिव ने भैरव रूप में अवतार लिया था। इस दिन भैरव अष्टमी पर्व मनाया जाता है। इस तिथि में व्रत पूजन का विशेष विधान है। काशी भगवान भोलेनाथ की प्रिय नगरी है, इसलिए भगवान शिव ने काल भैरव को काशी का क्षेत्रपाल यानी कोतवाल नियुक्त किया है। माना जाता है कि बाबा काल भैरव को शहरवासियों को दंड देने का भी अधिकार है। पौराणिक मिथक में माना गया है कि माता सती के शरीर का एक हिस्सा पिंड रूप में काशी में गिरा था। जिस जगह माता सती के शरीर का हिस्सा गिरा उसे विशालाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने माता सती के पिंड की रक्षा करने की जिम्मेदारी काशी के कोतवाल काल भैरव को दी थी। जन आस्था के कारण काल भैरव मंदिर का महत्व तो बढ़ जाता है। मान्यता है कि बिना काल भैरव के दर्शन के श्री काशी विश्वनाथ दर्शन का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, अर्थात काशी के कोतवाल का दर्शन भी अनिवार्य है। काल भैरव मंदिर को तांत्रिक परंपरा का मंदिर भी माना जाता है। काशी शिव की नगरी है और काशी वह स्थान है जहां शिव विराजते हैं और स्थायी रूप से रहते हैं। अभिमुक्त क्षेत्र कहा गया है, कभी नहीं छोड़ते इसे, और इसीलिए काशी के रक्षक, काशी के कोतवाल के रूप में भैरव की परिकल्पना की गई है। शिव का यह एक स्वरूप है जिसमें उनके साथ श्वान वाहन के रूप में होता है, जो एक चेन से बंधा हुआ होता है, और उनके हाथ में खड्ग भी हो जाता है, कभी कभी गदा जैसा मुदगर जिसको बोलते हैं वह होता है। और उस दृष्टि से विश्वेश्वरगंज के पास स्थित भैरवनाथ का मंदिर हमारी आप सबके आस्था का केंद्र है। सारे पर्यटक या धार्मिक पर्यटक अगर मैं कहूँ जो काशी आते हैं, अनिवार्य रूप से काशी विश्वेश्वर की पूजा के बाद वहाँ ज़रूर जाते हैं, और कभी कभी तो लोग पहले वहाँ जाते हैं तब काशी विश्वेश्वर के पास आते हैं। तो यह भैरवनाथ मंदिर शिव के उस स्वरूप का प्रतीक है, जो है तो उग्र स्वरूप लेकिन वो रक्षक हैं, काशी के कोतवाल हैं, गार्जियन हैं। इस रूप में उग्रता उनकी स्वाभाविक है। काल भैरव मंदिर की वास्तुकला हर किसी का ध्यान आकृष्ट करती है। बाबा काल भैरव का वाहन श्वान की मूर्ति भी द्वार के पास बनी है। मंदिर परिसर के अंदर एक छोटा सा प्रांगण है और मुख्य मंदिर इसी प्रांगण के बीचों बीच है। गर्भगृह में बाबा काल भैरव की मूर्ति पर चांदी का मुखौटा लगा रहता है और काल भैरव अपने वाहन श्वान की मूर्ति पर विराजमान है। बाबा काल भैरव नरमुंड माला धारण कर और एक हाथ में त्रिशूल लेकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। काशी की कोतवाल बाबा श्री काल भैरव की नित्य होने वाली पहर दर पहर आरती में श्रद्धालुओं के मध्य बह उठती है भक्ति की धारा।
मंगला आरती में भगवान का अभिषेक होता है, पूजन होता है, फिर उसके बाद श्रृंगार होता है। श्रृंगार होके तब भगवान को भोग लगाया जाता है, भोग लगा के आरती किया जाता है। मंगला आरती में हम आप उठते हैं तो सुबह सुबह अपने ईश्वर को साथ साथ शिव जी को हम लोग मना के उनसे नमन करके उनको अपना दिन अच्छा बीतने के लिए कहते हैं। मुख्य मंदिर के चारों तरफ संकरा रास्ता और ऊंचा मंच जैसा ढांचा बना है। इसी ऊंचे मंच पर पुजारी लाल काला धागा गंडा भक्तों को बांधते और बेचते नजर आते हैं। यहाँ पुजारी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए मोर पंख का प्रयोग करते हैं। यहाँ भक्तगण श्रद्धालु बाबा के दर्शन के पश्चात अपने ऊपर से सभी बाधाओं और कलेश के निवारण के लिए हाथ में धागा बंधवाते हैं। वाराणस्यां भैरवो देवो संसार भयनाशनम् अनेक जन्म कृतं पापं स्मरणे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव प्रतिपद मंदारमालां कुलिकालकालिकपालमालां शेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमस्तेवायै च नमस्तेवायै भैरवाय नमो नमः। ये भैरव का दंड है और ऐसी मान्यता निपुण विश्वास है काल भैरव के एक हाथ में काल दंड है और जब दंड पड़ता है लोगों के पीठ पर तो जो ग्रह रूपी दोष है उस समस्त दोषों का रोगों का कष्टों का समन हो जाता है। इसलिए भैरव में काशी में जब भी कभी लोग आते हैं तो काल भैरव की दर्शन के पश्चात यहाँ पर दंड लगवाते हैं। मंदिर के पास ही माला फूल और सरसों का तेल मिलता है। भक्तगण सरसों का तेल खरीदकर बाबा काल भैरव के पास जलने वाले दीपक में चढ़ाते हैं। जलने वाला अखंड दीपक जहां आकर्षण का केंद्र बिंदु है वहीं दीप के तेल को औषधीय गुण वाला भी माना जाता है। काशी के काल भैरव मंदिर में यूं तो प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री दर्शन पूजन के लिए आते हैं, लेकिन रविवार और मंगलवार के दिन बहुत अधिक भीड़ होती है। रविवार और मंगलवार के दिन श्रद्धालु विधि विधान से दर्शन पूजन कर अपने कष्ट और दुख से मुक्ति पाने की मनोकामना करते हैं। वाराणस्याम भैरव देव संसार भय नाशनम अनेक जम कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। कहा जाता है कि भैरव बाबा काशी कोतवाल है तो विश्वनाथ जी काशी के राजा हैं। जब भी कोई काशी में प्रवेश करता है तो उसको भैरव बाबा से आज्ञा लेकर आज्ञा लेनी जरूरी, अर्थात पहले इनका दर्शन होता है फिर काशी विश्वनाथ का दर्शन होता है। जो इनकी आज्ञा के बिना काशी में आता है वो ज्यादा दिन यहाँ ठहर नहीं पाता है। काल भैरव मंदिर के बाहर का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय है। पतली सड़क के दोनों तरफ पूजन सामग्री और पूजा अर्चना में प्रयोग होने वाले पीतल तांबा के बर्तनों की दुकानें श्रद्धालुओं के मन में भक्ति का भाव बढ़ा देती हैं। काल भैरव मंदिर के पास ही बनारस की कोतवाली स्थित है। प्रशासनिक कोतवाल की मुख्य कुर्सी पर काल भैरव शहर कोतवाल के रूप में हमेशा विराजमान रहते हैं। काशी में भैरव कई रूपों में विराजमान है। बटुक भैरव और काल भैरव यही हैं। जहां काल भैरव को भैरवनाथ का युवा रूप तो वहीं बटुक भैरव को भैरवनाथ का बाल रूप कहा जाता है। जहां बटुक भैरव अपने भक्तों को अभय देने वाले सौम्य स्वरूप में विख्यात हैं तो वहीं काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड दंडनायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। भगवान भैरव के मुख्यतः 8 स्वरूप हैं जिन्हें अष्ट भैरव कहते हैं। काशी के 8 भैरव बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी काशी की रक्षा का दायित्व तो संभालते हैं। काल भैरव काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। ऐसे में मान्यता है कि बाबा काल भैरव की आराधना के बिना काशीवास सफल नहीं होता है, तो काशीवास के लिए भैरव पूजन बड़ा आवश्यक माना गया है। व्यालय यशोत्रम इंद्र शेखरम कृपा करम
नारदादि योग वृंद बंधितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे भानुकोटि भास्वरम भवादि तारकम परम नीलकंठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। काशी के कोतवाल की लोक मान्यता के चलते यहाँ पर प्रशासनिक से लेकर न्यायिक विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पदभार ग्रहण करने से पहले अपनी हाजिरी जरूर लगाते हैं। काशी में काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही दंडपाणि भैरव मंदिर का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मंदिर काल भैरव मंदिर के पास ही है। कहा जाता है कि काशी के राजा भगवान शिव ने प्रशासन की जिम्मेदारी दंडपाणि भैरव को सौंप रखी है, इसलिए दंडपाणि भैरव को काशी का प्रशासक माना जाता है। श्री श्री 1008 काशी खंड के चतुर्थ देव बाबा दंडपाणि, इनका काम है काशी में दंड देना और मुक्त करना। काल दंड, कर्म दंड, भोग दंड, राज दंड, यम दंड से मुक्त हेतु दंडपाणि का दर्शन करें। काशी फल जब पाते हैं, जब दंडपाणि का दर्शन प्राप्त होता है। ये काशी के प्रशासक हैं और ये काशी के न्यायाधीश हैं। दंडपाणि मंदिर परिसर में बाएं तरफ कालकूप है। पासी पंचदेव भी है। परिसर में देव पंचायतन भी स्थापित है। मंदिर परिसर में ही दाएं ओर महाकाल भी विराजमान है। काशी में भगवान दंडपाणि भैरव के अवतरित होने और भगवान शिव के निकट स्थापित होने को लेकर कई तरह की किंवदंतियां लोकमानस में प्रचलित हैं। लाड भैरव से भैरव जी को ला करके यहाँ भैरवेश्वर के बगल में स्थापित किया गया भैरवनाथ मोहल्ले में, और कुछ दिनों के बाद जब लाट भैरव का लाट टूट कर गिर गया तो टूटे हुए हिस्से को भी यहाँ ले आ करके रख दिया गया बगल के मंदिर में, उसे दंडपाणि भैरव कहा गया। तो इस प्रकार दंडपाणि को भगवान ने एक नियुक्ति दी। और यहाँ काशी में जो लोग रहते हैं उन पर यमराज का शासन नहीं चलता, उन्हें भैरव के शासन में रहना पड़ता है और भैरवी यातना भोगनी पड़ती है। धर्मनगरी वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ की उपस्थिति में काल भैरव बाबा भोलेनाथ के आदेश का पालन करते हुए शहरवासियों की रक्षा करते हैं। प्रख्यात कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लमही में 31 जुलाई वर्ष 1880 को हुआ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनका जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। अपनी लेखनी से समाज के वंचित लोगों के दर्द को स्वर देने वाले विख्यात कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की 144वीं जयंती बुधवार को उनकी जन्मस्थली लमही में मनाई गई, जिसमें शहर के तमाम गणमान्य लोगों ने भाग लिया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर साहित्य सेवियों ने इस अवसर का शुभारंभ किया। मुंशी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान साहित्यकारों एवं विशिष्ट लोगों को सम्मानित भी किया गया। दायित्व के बीच भी
साहित्य प्रेम और एक इतिहासज्ञ की दृष्टि थी भक्तों जी का। इस अवसर पर लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। इस दिन को हम लोग केवल जन्मदिन के तौर पे ना मनाएं, बल्कि आज के दिन हमें इस प्रकार मनाना चाहिए कि सृजनात्मकता को बढ़ावा मिले और एक ये दिखावेबाजी को ना लेकर के, बल्कि इसकी जगह ऐसा होना चाहिए कि हम विद्यार्थियों में पुस्तकों का वितरण करें, क्योंकि मुझे इसका अभाव दिखता है। और मैं आज से 40-50 साल पहले की बात कहना चाहूँगी कि पहले पुरस्कार पुस्तक दिए जाते थे और वो पुस्तक जो है कई हाथों में जाता है, पढ़ा जाता है और न जाने कितने समय तक जिंदगी में उसके शब्द याद रहते हैं। कार्यक्रम के दौरान कठपुतली के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का मंचन किया गया। जाता, तू तो इस गांव का सरपंच है ना, एक काम कर दे, इस गुड़िया को इंसाफ दिला दे, मैं तेरे पांव पड़ती हूँ। अरे अरे क्या करती हो खाला, जुम्मन मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे बिगाड़ नहीं कर सकता। अरे अरे मैंने तो सुना था पंचों के मुंह से खुदा बोलता है, और तू बिगाड़ की डर से ईमान से कतराएगा, पर मैं पंचायत बुलाऊंगी। क्या हुआ नसर भैया? लो आप यहाँ बैठे आराम करवा रहे हैं और वहां आपकी खाला जान पंचायत बुलाने की तैयारी कर रही है। पंचायत? उसकी ये हिम्मत, बुढ़िया का दिमाग फिर गया है। अरे पंचायत बुलाने से कहीं इंसाफ मिलता है? बुलाने दे पंचायत। अरे सरपंच तो अपने ही यार है, अलगू चौधरी। पंचो, आप सब तो जानते हैं कि मेरे भांजे जुम्मन के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो 3 साल पहले मैंने अपनी सब जमीन और जायदाद जुम्मन के नाम लिख दी थी और उसने वादा भी किया था कि वो मुझे तायरात रोटी और कपड़ा देगा। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, मगर साल भर से ना तो उसने मुझे भर पेट खाने को रोटी दी है और ना ही तन डालने को कपड़ा। अब आप ही बताइए, मैं अकेले कोर्ट कचहरी कैसे कर सकती थी? मैं तो आप लोगों के सामने यही लेके आई हूँ कि मुझे मेरी जमीन और जायदाद सब वापस कर दी जाए, मैं इसके हाथों भूखों मरना नहीं चाहती। मैं तो अकेली रह के सुकून से मरना चाहती हूँ। अब आप लोग जो भी फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। हमारे तो बुजुर्गों ने भी कहा है कि पंचों में हिंदू का भगवान और मुसलमान का खुदा बसता है। अब आप लोग जो भी कहेंगे वो मुझे मंजूर है। तो हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं तक, अगले कार्यक्रम के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।